हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉलोनियल, क्या है कॉलोनियल। पीछे से रिकॉल करो जरा, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन दिया था इंडियन हिस्ट्री का, वो उन्होंने गलत दिया, ठीक है, हमारे लोगों को पसंद नहीं आया। हमने क्या कर दिया, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न कर दिया। लेकिन मॉडर्न में भी दिक्कत आई, क्या कि जो मॉडर्न फोर्सेस की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वेलिटी, वो तो था ही नहीं। तो हमारे हिस्टोरियंस ने क्या बोला कि ये मॉडर्न पीरियड नहीं, ये कॉलोनियल पीरियड है, कॉलोनियल इंडियन हिस्ट्री है। तो वो कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, वही चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कॉलोनियल का मतलब होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो अब आपको समझना है इस चीज में कि कॉलोनियल पीरियड क्या होता है। तो ब्रिटिश केम इन इंडिया, मैं आपको समझाता हूं, देखो सिंपल सी चीज है, ये जो शब्द है ना कॉलोनियल, इसे आप इस वीडियो में ऐसा समझ लो कि आपके जीवन भर आपको ये याद रहे। क्यों? क्योंकि आगे भी ये चीज बार बार आनी है और आगे सिर्फ शब्द आएगा और उस शब्द का मतलब क्या है, उसको सिचुएशन से कैसे जोड़ना है, वो खुद आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है, एक बार पढ़ेंगे आखिरी बार पढ़ेंगे, यही मेरा मंत्र है, ठीक, एक बार पढ़ेंगे आखिरी बार पढ़ेंगे। तो इसको एक बार पढ़ते हैं और आखिरी बार पढ़ते हैं, तो ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार में हमें चीजें ध्यान हो जाए कि कॉलोनियल का मतलब ये है। क्योंकि क्या है, अभी आप जैसे पढ़ते जाओगे ना, तो कहीं कहीं पे शब्द लिखा रहेगा कॉलोनाइजेशन, और वो कॉलोनाइजेशन शब्द अपने आप में पूरा पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देगा, तो शब्द को समझना जरूरी है। देखो कॉलोनाइजेशन कहते किसे, अगर मैं बुक को बंद कर दो एक मिनट के लिए, सिर्फ समझो, ठीक है, समझो ऐसे क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने जब क्या किया, दूसरी कंट्रीज के ऊपर कब्जा किया, तो उन्हें अपनी कॉलोनी बना ली, एक तरह से कॉलोनी बना ली मतलब अपने अंडर में ले आए। और जब वो क्या करते थे, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते थे, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करते थे, पैसे लूट के ले जाते थे, वहां राज करना स्टार्ट कर दिया, वहां के ऊपर, इंडिया के ऊपर जबरदस्ती अपना कल्चर थोपना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो सारी चीजें हो रही थी, इसे कॉलोनाइजेशन कहा गया। आगे समझ में, अब इसे हम बुक के हिसाब से समझते हैं। आपके बुक में जो हेडिंग दी है, तो आप बुक लेकर बैठा करो जो वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, तो उससे क्या रहेगा कि आप टैली करते चलोगे चीजों को। तो ब्रिटिश केम इन इंडिया, ब्रिटिशर्स आए, हमने वेलकम किया, बढ़िया स्वागत किया उनका। क्यों? क्योंकि हम अतिथि देवो भव, हमारा ये कल्चर था, हमने बोला चलो ट्रेड करने आए, ट्रेड करने देंगे बेचारों को। तो वहां पे हमारे रूलर्स ने उन्हें ये गलती कर दी कि बुला लिया अंदर, आ जाओ, ठीक है। तो ब्रिटिश केम इन इंडिया, कंकर्ड लोकल नवाब्स एंड राजास, और जिन राजास ने, जिन लोकल नवाब्स ने, जिन रूलर्स ने उन्हें इन्विटेशन दिया था कि आ जाओ ट्रेड करो, उन्हीं को उन्होंने हरा दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो दे कंकर्ड लोकल नवाब्स एंड राजास, लोकल नवाब्स और राजास को हराने के बाद में उन्होंने क्या कर दिया, दे एस्टैब्लिश देयर रूल, ठीक। यहां पे उन्होंने यूनियन जैक, जो उनका झंडा होता है, वो फहराना चालू कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर जो था, जो उस समय पे कह सकते हैं क्वीन जो रूल करती थी, तो उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य क्या कर दिया, इंडिया में भी फैला दिया, एक तरह से इंडिया को क्या कर लिया, अपना ही जीती हुई टेरिटरी बना लिया। आगे समझ में, तो ये ट्रेड के नाम से आते हैं इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अभी पढ़ेंगे पूरी हिस्ट्री उसी बारे में, कैसे आते हैं, कब किसके ऊपर कब्जा करते हैं, कौन सी लड़ाई होती है, कौन सी नहीं होती है, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश केम इन इंडिया, दे कंकर्ड लोकल नवाब्स एंड राजास, वहां के जो लोकल नवाब्स थे, राजास थे, उन्हें हराया। फिर उसके बाद में दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल, वहां पर उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने, मतलब कहां पे, और इंडिया में। तो इंडिया में दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल, उसके बाद में दे स्टार्टेड सब्जुगेटिंग दी लोकल्स, तो जो यहां के लोकल्स थे, यही कॉलोनियल है, ठीक है। कॉलोनियलिज्म का जो आइडिया है, वो यही इन्हीं चीजों को दर्शाता है। तो उन्होंने यहाँ के जो लोकल्स थे, जैसे हम लोग यहाँ के लोकल्स हैं ना, हम बोलते हैं कि आपकी सिटी में आप पूछते हो बच्चे से, लोकलाइट है, मिलता, हाँ लोकलाइट है, कोई बोलता नहीं मैं तो बाहर से दूसरे गांव से आता हूँ, बस से बस लेने जाती है हमारे को। तो उस तरह से क्या है, लोकल्स मतलब जो वहां के लोकलाइट है। तो दे स्टार्टेड सब्जुगेटिंग दी लोकल्स, लोकल्स जो थे उन्हें सब्जुगेट करना, डराना, धमकाना, अपने अंडर में रखना, सब्जुगेट करना, ये हो गया। फिर दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यहां पे एंड रह गया हमारा, तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो उन्होंने क्या किया, किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले वहां के लोकल्स को डराया, धमकाया, फिर दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो वहां की इकोनॉमी के ऊपर, वहां की मतलब इंडिया की, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया की जो सोसाइटी थी उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल जमा लिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने इस तरह से इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल जमा लिया। दे ब्रॉट द चेंजेस इन वैल्यूज एंड टेस्ट्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, तो मतलब यहाँ की जो वैल्यूज थे, यहाँ का जो टेस्ट था, टेस्ट मतलब यहाँ का लोगों को जो चीज़ों को देखने का, समझने का या फिर चाहने का एक जो नजरिया था, उसमें चेंज ले आए ब्रिटिशर्स ने। यहाँ की जो कस्टम्स थी, यहाँ की जो प्रैक्टिसेस थी, उसमें चेंज ले आए। कैसे, वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमारे वैल्यूज, हमारे टेस्ट क्या थे,
कि हमारे यहाँ वेस्टर्न अटायर को नहीं पहनते थे इंडियंस, हमारे यहाँ क्या धोती कुर्ता पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, ये सारी चीजें हमारा क्या था, हमारा टेस्ट था। कब? ब्रिटिशर्स के आने से पहले महिलाएं क्या पहनती थी, साड़ी पहनती थी। फिर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने वो कल्चर लेके आए, गाउन वाउन पहनना, कोट पहनना, वेस्टर्न अटायर पहनना, ये सारी चीजें। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इंडिया में भी चेंज आ गया, इंडिया के कल्चर में भी क्या हो गया, चेंज आ गया। तो उन्होंने क्या किया, ये जो सब्जुगेशन की बात हो रही थी तो पहले मिलिट्री से सब्जुगेट किया, डराया धमकाया कंट्रोल कर लिया, फिर उन्होंने यहाँ के कस्टम्स, यहाँ की प्रैक्टिसेस, यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ के वैल्यूज, हर चीज पे क्या कर लिया, हर चीज पे अपना हक जमा लिया, हर चीज पे अपना कब्जा जमा लिया, और इसी को कॉलोनाइजेशन कहा गया। तो जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने पिछले वीडियो में, कि जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था या फिर कह सकते हैं एंशियंट मिडिवल और जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहा जा रहा था, तो उस मॉडर्न हिस्ट्री को हमारे हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल हिस्ट्री क्यों कहा, क्योंकि यही कारण थे कि उस समय पे हम मॉडर्न नहीं हो रहे थे, उस समय पे हमारा जो था अपना जो कल्चर था वो क्या हो रहा था, वो हमसे छूट रहा था ना। तो इस सेंस में हम मॉडर्न नहीं हुए, उल्टे हम क्या हो गए, कॉलोनाइज्ड हो गए, ठीक है, हम कॉलोनाइजेशन की तरफ चले गए। आई होप आपको कॉलोनियल समझ में आया, कि जो उसकी डेफिनेशन देखो यहां पे समझाता हूं। देयरफॉर वी कैन से दैट दे कॉलोनाइज्ड इंडिया। कॉलोनाइजेशन क्या होता है, द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, ठीक है, वन कंट्री मतलब इंडिया हो गया, बाय अनदर मतलब ब्रिटेन हो गया। तो ब्रिटिशर्स आए थे तो द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीडिंग टू द पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चरल चेंजेस, ठीक है, ये समझो अब क्या है कि जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इंडिया को क्या कर दिया, सब्जुगेट कर दिया, डरा धमका के इंडिया के लोगों को, सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री इंडिया बाय अनदर, अनदर मतलब ब्रिटिशर्स, उन्होंने सब्जुगेट कर दिया। सब्जुगेट करने के साथ साथ में क्या किया, अब जब सब्जुगेशन हो गया हम उनके अंडर में आ गए, हम इंडियंस उनके अंडर में चले गए, तो इंडियंस का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल था, ठीक है, ये सारी चीजें बदल गई, कि हमारे जो पॉलिटिक्स थी, जैसे हमारे रूलर जो रूल करते थे, हमारे रूलर्स को हटा दिया गया, हमारा जो इकोनॉमिकल सिस्टम था, ठीक है, हमारी इकोनॉमी जिस तरह से काम करती थी, हमारी पूरी इकोनॉमी चलती थी, हमारे लोग ट्रेडर होते थे, हमारे लोग गुड्स खरीदते थे बेचते थे, अब सारा ट्रेड किसने अपने कंडर में ले लिया, जैसे सोने की चिड़िया कहते थे इंडिया को, लेकिन इन्होंने उस चिड़िया को उड़ा के ले गए, ठीक है। तो इकोनॉमिकली भी क्या कर दिया, बहुत ज्यादा सब्जुगेशन हुआ, सारी चीजें चेंजेस हो गई। सोशल हमारा जो सामाजिक मतलब कह सकते हैं जो सोशल स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है, हमारे यहाँ सोसाइटी जिस तरह से रहती थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, उसमें चेंज आ गया। तो सोशल और कल्चरल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस मतलब क्या होता है कि हमारा जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, उसमें कितना बदलाव आया। मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारा जो पहले कपड़े पहनने का तरीका था, हमारा जो खाने पीने का तरीका था, हमारे जो रिचुअल्स थे, वो सारी चीजें बदल गई, ठीक। तो ये कब बदली, ब्रिटिशर्स के आने के बाद में बदली। तो इसी चीज को कॉलोनाइजेशन कहा गया, द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीडिंग टू पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन, और इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा गया, ठीक है। तो हमने अपना जो था उसे छोड़ दिया, और जो कह सकते हैं जो फॉरेनर्स का था वो हमारे ऊपर इम्पोज किया गया, हमने शौक से नहीं लिया वो, आज हम शौक से लेते हैं। आज मतलब कैसे, आज आप कपड़े लेने जाओगे तो आप कितने लोग धोती कुर्ता खरीदते हो, आज नहीं खरीदते हम, कब खरीदते हैं, सिर्फ स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है या फिर हमें कुछ एक्ट मिलता है तो तब, बाकी उसके अलावा धोती कुर्ता कोई पहनता नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले पहनते थे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, जो वेस्टर्न सब्जुगेशन उस समय पे हमारे ऊपर थोप के गए थे, आज उसे हम खुद एक्सेप्ट करें, लेकिन उस समय पे हमने एक्सेप्ट नहीं करा था, उस समय हमारे ऊपर जबरदस्ती डाला गया था। तो ये होता है कॉलोनाइजेशन, क्लियर है। तो इसी सेंस में जो हम देखते हैं कि जो एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री बताई गई थी, तो हमने उस मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न क्यों कंसिडर नहीं कहा किया, क्योंकि उस समय पे तो हमारा कॉलोनाइजेशन हो रहा था, तो हमने उसे कॉलोनियल पीरियड कहा। आगे समझ में, तो ये हो गया व्हाट इज कॉलोनियल, व्हाट इज कॉलोनाइजेशन, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको बनना चाहिए, क्लियर है। तो एक पार्ट आपकी बुक का कंप्लीट होता है। अब जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड से जो स्टार्ट होता है, तो उसे अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली अब वहां से हिस्ट्री हमारी ऐसी स्टार्ट होती है कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है कि हिस्ट्री क्या थी, कहां से पता चलता है। तो उस बारे में कुछ सोर्सेज दिए गए हैं हिस्ट्री के, जिन्हें हम टॉपिक्स सब टॉपिक्स करके पढ़ते चलेंगे, जिस तरह से अभी तक पढ़ते आए हैं। तो इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्लास फोर्थ से क्लास ट्वेल्थ तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।